और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं वो भी हम सबको मालूम है। कैप्टन साहब ने इसका जिक्र भी किया है कई बार, और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्युनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्युनिशन, इसको भी पहुँचाने का की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, दिस एनडीए अलायंस डज नॉट ओनली सी एज ए चेंज ऑफ रिजीम, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे हैं इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है और भारत ये अलायंस जो हमारी है वो उसको उसी तरीके से देख रही है। अगर पंजाब स्टेबल होता है तो और सेफ होता है तो देश सुरक्षित रहता है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने देश को जो दिया है और जिस तरीके से लीडरशिप दी है वह हमेशा सराहनीय रही है। अगर हम पंजाब की बात करें डिफेंस में, दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। देश की सुरक्षा में जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है डिफेंस के दृष्टि से, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो पंजाब ने जो लीडरशिप दी है उसको भी देश याद रखता है और उस फूड सिक्योरिटी ने देश को बहुत बड़ी ताकत दी है। पंजाब ने हमेशा हमारे आशाओं को पूरा किया है, इट हैज़ ऑलवेज फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसलिए पंजाब हैज़ बीन अ लीडर इन इट्स ओन वे और उन्होंने हम लोगों को दिया, हम लोगों को देश को एक दृष्टि से दृष्टि भी दी, दिशा भी दी है और ताकत भी प्रदान की है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें तो हम कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनके उनके उनकी उनको उनका हम उन, योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जिनको हम हिंदी चादर के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शौर्य और बलिदान पंजाब का रहा है उसको सदा सदा भारत का इतिहास याद रखेगा। इसलिए वैलर
or sacrifice of Punjab is always kept in high esteem and usko hum puri izzat aur puri yaad karte hue usko hamesha jo unhone shahadat di hai jo unhone baldan diya hai jo unhone shaurya dikhaya hai usko us desh hamesha naman karta hai aur yaad karta hai. पंजाब ने हम लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है. पंजाब ने हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है और पंजाब ने आर्थिक दृष्टि से भी हमको नेतृत्व दिया है. सेंटर स्टेज पर अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का योगदान हो, फिर चाहे शहीद भगत सिंह का योगदान हो, कभी भी देश नहीं भूल सकता है और देश हमेशा याद रखेगा उस बलिदान को. इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. अगर हम बात करें बलिदान के दृष्टि से, तो जब मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह को हम याद रखते हैं, तो उसी तरीके से मास्टर तारा सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं. यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.